भांज एक रुला देने वाली कहानी। 14 साल की उम्र में जब खेलने कूदने की उम्र होती है तब रिश्ता हो गया। उस समय में सभी की लड़कियां 12-13 बस में ही ब्याह दी जाती थी। शादी का मतलब भी नहीं पता था, बस ये सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे। माँ थी नहीं तो पिताजी ने बस जो थोड़ा सा घर का काम काज सिखाया वही आता था। शादी का दिन आया और बस सारी रस्मों के बाद विदाई का वक्त भी आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई। इतनी आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी सासू माँ की आवाज आई, अरे जल्दी से कलश लाओ, बहू आ गई है। और मैंने घूंघट की आड़ से अपनी सास को देखा, आंखों से एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी। मुझे सच मानो थोड़ा डर गई थी उन्हें देखकर। सारी रस्में खत्म होते होते रात हो गई थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया था कि चलो रसोई बनाने की रस्म है। तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई, सबने तारीफ भी की पर सासू माँ ने कभी निकाल दी। साथ ही साथ हिदायत भी दे दी कि अब बचपन छोड़कर कुछ काम काज सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को भी हॉस्टल जाना था क्योंकि वह तब बीए कर रहे थे। खैर अमर भी हॉस्टल चले गए और मैं अकेली रह गई अपनी सास और ससुर के साथ पढ़ती। बीच बीच में अमर चिट्ठी लिखते थे पर पहले सासू माँ थी, बाद में मेरे पास आती थी। उम्र कम होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का साथी था आम का पेड़। हाँ वही आम का पेड़ जो हवेली के पीछे के आंगन में लगा था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना हुआ था पर वो पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारे हवेली वाले उस पेड़ को बांज कहते थे। पर मुझे न जाने क्यों उस पेड़ से बहुत प्यार था। जब काम से निर्वृत होकर कुछ फुर्सत के पल मिलते थे तो एक वही पेड़ मेरा साथी होता था। उसको देखते हुए मैं अपनी सारी थकान भूल जाती थी। 2 साल बीत गए और मैं 16 की हो गई। अमर की भी सनातन की पढ़ाई पूरी हो गई थी। आज अमर वापस आ रहे थे। सासू माँ सुबह से ही तैयारियों में लगी हुई थी। खुद की ही रसोई में जाकर सारा जायजा ले रही थी। मैं भी बहुत खुश थी कि अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 सिंगार के साथ मैं पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज मांग का सिंदूर कुछ अलग ही लालिमा के लिए हुआ था। शायद वह लालिमा मेरे चेहरे पर भी दिख रही थी। तभी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि जा अपनी नजर उतरवा ले, अमर आ गए हैं। हवेली की हलचल से पता चल गया था मुझे। खाने पीने से निवृत्त होकर सब आराम करने चले गए। अमर भी कमरे में आ गए थे और मैं बस शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी अमन ने मुझे तोहफे दिया, एक सुंदर लाल साड़ी। पर मेरे लिए तो अमर का वापस आना ही सबसे बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की जिनमें कुछ शिकायतें थीं, कुछ प्यार था। समय बीतता गया और 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अमर और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। अमर मुझे लेकर तुरंत रवाना हो गए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, जैसे मेरे लिए ही अपनी सांसों को रोका हुआ था। और फिर मुझे अमर के हवाले कर के वो इस दुनिया से चले गए। भीगी आंखों से अपने पिताजी को विदा किया। अब मेरा सब कुछ अमर और उसका परिवार ही था। समय गुजरता गया और अमन ने अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली और अब वह सरकारी वकील कहलाने लगे थे। पर भगवान ने मुझे अभी संतान सुख नहीं दिया था। अभी तो सासू माँ दबी जुबान में बोलती थी पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया। अमर बहुत व्यस्त रहते थे अपने काम में, सो वो मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती। धीरे धीरे सारे गांव में ये बात फैल गई कि हवेली की बहू बांझ है। तीर की तरह चुभता था ये शब्द, पर कुछ कह नहीं पाती थी, सिर्फ आंसुओं से दिल हल्का करती थी।
अमर मुझे दिलासा देते थे, पर लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 19 साल, और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी मैं। फिर माँ के मरने के बाद ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाया था। एक दिन अमर जब दोपहर के खाने पर घर आए तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया कि हम अमर की दूसरी शादी करेंगे। उफ, इतना बड़ा धोखा अमर कैसे दे सकते हैं मुझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बत्ती बुझा दो, मुझे सोना है। अमर, कुछ बात करनी है आपसे, मैं थक गया हूँ। धानी, मुझे सोने दो। अमर, क्या आप दूसरी शादी करेंगे? धानी, मैंने कहा ना, सोने दो, मुझे थक गया हूँ। मैं तुम सब लोगों की चिक चिक सुनते सुनते उधर माँ है और इधर तुम परेशान हो गया हूँ। मैं मन करता है आत्महत्या कर लूँ। नहीं अमर, ऐसा मत कहिए, धानी ने अमर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। आपके अलावा अब कौन है मेरा? धानी करवट लेकर सारी रात आंसू बहाती रही, और जब सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत बनकर जो मजबूर होकर हर चीज से समझौता कर लेती है। सारी रात यही सोचती रही कि शायद अमन ने भी मौन स्वीकृति दे दी है दूसरी शादी के लिए, पर उसे ये कहां मालूम था कि उसकी माँ ने किस हद तक उसे मजबूर किया है दूसरी शादी के लिए। एक महीने के अंदर ही अमर की दूसरी शादी गेंदा से हो गई। गेंदा अमर की माँ की दूर के रिश्तेदार की बेटी है। धानी, अपना सामान उस पीछे वाले कमरे में रख ले, आज से गेंदा इस कमरे में रहेगी, अमर के साथ सासू माँ ने हाथ नचाते हुए कहा। कैसे छोड़ दूँ ये कमरा? नहीं, ये मेरा कमरा है, जिसे जहाँ जाना है जाए। पर फिर ख्याल आया कि जो ब्याह कर इस घर में लाया था, जब वही मेरा नहीं है तो ये कमरा कैसे मेरा हो सकता है? ऐसा सोचते हुए आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान एक कोने में रखकर खिड़की पर बैठ गई और उस आम के पेड़ को देखते हुए उसको निहारने लगी। इसे कुछ कम हो जाएगा, किस्मत कहूँ या कुछ और की, आज मेरी हालत भी इस पेड़ की तरह हो गई है, अकेला बेसहारा, जैसे ये अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा है। क्या मैं इसकी तरह आडिंग और मजबूत रह सकूंगी, या फिर किसी कमजोर लता की तरह मुरझा जाऊंगी और अपना अस्तित्व खो दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं मजबूत रहूंगी। जब ये बेजुबान पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपने विचार श्रृंखला से बाहर आते ही मैंने अपने आप को संभाला और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया। दिन गुजरते गए और मैंने घर के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अपनी कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए समय में उन पेड़ों की देखभाल करने लगी। साथ ही उस आम के पेड़ की खास देखभाल करती थी। गेंदा एक सुलझी हुई लड़की है। वो जब भी मुझसे बात करने के लिए आती, मेरी सासू माँ उसे बहाने से बुला लेती। अमर पहले से भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे। मुझसे बात तो करते थे, पर एक पछतावा हमेशा उनकी आंखों में दिखता था। शायद मेरी हालत देखकर बुरा लगता था उन्हें, पर माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। गेंदा ने दिन से खुशी से गुजर रहे थे और मेरे दिन बस गुजर रहे थे, और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब गेंदा ने खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। पूरी हवेली में त्योहार जैसा माहौल हो गया। सारे नौकरों में तोहफे बांटे जाने लगे। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है, अब घर में एक नया भी मेहमान आएगा। शायद मेरी जिंदगी का सूनापन गेंदा बहुत कमज़ोर थी और उम्र भी 16 साल, उसे बहुत तकलीफ होती थी। अब सासू माँ का आदेश था कि उसकी अच्छे से सेवा की जाए, जिससे कि उसकी कमजोरी दूर हो। सारी देखभाल के बाद भी गेंदा का वजन कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। एक दिन चिंतित होते हुए मैंने अमर से कहा,
भी कि गेंदा को शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाओ, पर सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे भी बच्चे घर पर हुए हैं और अमर की वही पुरानी आदत की अपनी माँ के खिलाफ वो जा ही नहीं सकते थे। एक दिन गेंदा की तबीयत कुछ खराब होने लगी, उसकी सांस बहुत फूल रही थी। घबरा कर मैंने गांव के बैद जी को बुलवा भेजा। बैद जी ने आकर कुछ दवाइयाँ दी और खून की कमी भी बताई। और जब मैंने अमर को ये सब बताया तो सासुमा ने मुझे गेंदा से दूर रहने का आदेश दे दिया, यह कहकर कि एक बांज की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए गेंदा पर। खैर, मुझे गेंदा से दूर कर दिया गया और मैं फिर से अपनी कोठरी में अकेली सारा दिन बंद रहने लगी। या ये कहूँ कि अंदर ही अंदर मैं खुद भी डर गई थी कि कहीं सचमुच मेरी वजह से गेंदा को कुछ न हो जाए। कुछ दिन बाद रात में नौकरों का शोर शराबा सुन मैं आंगन की तरफ भागी।